हाय एवरीवन, मैं रेखा और रेखा की रसोई चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए मीठी पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप भेज और नॉनवेज दोनों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको भेज या नॉनवेज नहीं भी खाने का मन है तो आप इसे ऐसे सूखा भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो इसकी छोटी छोटी सी बातें अगर कहीं भी छूट जाएगी तो इतनी टेस्टी आपकी पुलाव नहीं बन पाएगी। इसलिए इस रेसिपी को पूरा अंत तक देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं इस पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बनाना स्टार्ट करती हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी ग्लास से एक ग्लास बासमती राइस ली है। ये बासमती राइस है और हम यहाँ पे जितना चावल ऐड करेंगे उतनी ही मात्रा में मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो इस ग्लास से मैंने एक ग्लास पानी, एक ग्लास मैंने बासमती राइस लिया है और सारे मेजरमेंट मैं इसी ग्लास से करूँगी। तो मैंने एक गिलास राइस लिया है और एक डेढ़ गिलास मुझे इसे पानी लेना है, यानी जितनी चावल है उसकी डेढ़ गुना मुझे पानी ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं इस चावल को वॉश करके 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो चावल को वॉश किए वो मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए मैं पुलाव बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये पुलाव मैं कुकर में बनाने, प्रेशर कुकर में बनाने वाली हूँ। तो मैंने कुकर को गैस पर रख दिया है, हमारी कुकर गर्म हो चुकी है। तो मैं इसमें 2 चम्मच शुद्ध देसी घी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब घी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये गाय की शुद्ध देसी घी है, इसमें पुलाव बहुत ही अच्छी बनती है। सर्दियों का मौसम में घी जम जाती है तो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इसे मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची, 3 लौंग और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए, इसे मैं इसमें घी में ऐड कर देती हूँ। 1 से 2 सेकंड के लिए मैं इसे भून लेती हूँ। तो देख सकते हैं हमारी भून चुकी है, इसमें मैं चावल को ऐड कर दूँगी। तो मैंने इसमें चावल को ऐड कर दिया है। इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ जिससे हमारी पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब चीनी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये पुलाव बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। हमारे पुलाव में थोड़ी अच्छी कलर आ जाए उसके लिए मैं यहाँ पे 1 पिंच हल्दी डाल देती हूँ। इससे हमारे पुलाव का कलर बहुत प्यारा आने वाला है। ये पुलाव आप वेज नॉन वेज सभी के साथ खा सकते हो। यदि आपके पास कोई इसके साथ खाने के लिए कोई वेजिटेबल्स नहीं भी है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि मीठी पुलाव है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरा यकीन मानिए, एक बार आप इसे बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हो तो हमें लाइक, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिलते रहे। तो देख सकते हैं हमारी चावल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ मैंने इसी ग्लास से चावल लिया था तो इसी से मैं 1.5 गुना पानी इस चावल में ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने उसी ग्लास से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है।
इसे इन अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देना है और तीन विशल आने तक हमें इसे पका लेना है। अगर आपकी प्रेशर कुकर अच्छी है तो आप इसे दो विशल में भी कर सकते हो। अगर दो विशल में आप इसे पकाते हो तो इसे प्रेशर में ही छोड़ दें, और यदि तीन विशल तक आप इसे पका लेते हो तो फिर आपको इसे प्रेशर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे प्रेशर से तुरंत खोल भी सकते हो। फिर आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और इसे तीन विशल आने तक इंतज़ार कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं हमारे प्रेशर कुकर में तीन विशल आ चुकी है। तो अभी मैं दो मिनट के लिए इसे प्रेशर में छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इसे ढक्कन खोलकर दिखाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों को प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल करके दिखा देती हूँ हमारी पुलाव बनकर तैयार हुई है या नहीं। तो देख सकते हैं हमारी पुलाव कितने अच्छे तरीके से पक चुकी है और कितना ही प्यारा इसका कलर आया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह की मज़ेदार और लाजवाब टेस्टी टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए हमारे वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलिए मैं इसे सर्व करके दिखा देती हूँ आपको। इसे मैं चिकन के साथ खाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसे थाली में सर्व कर लिया है और ये हमारी चिकन है, मैं इसी के साथ इसे खाने वाली हूँ। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा है। आप प्लीज़ इसे बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।